वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई द रोसविला मूवी को लेकर आया हूं, जो एक थ्रिलर मूवी है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी एक बार देख सकते हैं। इस मूवी का ड्यूरेशन सिर्फ 1 आवर 14 मिनट्स का है, उसमें से इसमें दो लंबे लंबे है, मतलब गाने। स्टार्टिंग और एंडिंग क्रेडिट सीन को निकाल दिया जाए तो ओवरऑल से मूवी 1 घंटे की बचती है। सिंपल से बात करें तो ये मूवी नहीं बल्कि शॉर्ट फिल्म है। उसी तरह डायरेक्टर भाई साहब इस मूवी के थ्रू एक छोटा सा मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना टाइम के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम, और हाँ बच्चे मेरे दो चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो चेक इट आउट। मूवी की शुरुआत में ही एक बंदे को दिखाया जाता है जो शायद किसी को जमीन में दफना रहा है। उसे दफनाने के बाद उसके ऊपर एक रोज फ्लावर रखता है। यहाँ पर यह सीन कट होता है। दूसरे सीन में एक कपल का इंट्रोडक्शन होता है। बंदे का नाम है रवि, बंदी का नाम है श्वेता। शायद इन दोनों की नई नई शादी हुई है। ये दोनों अपना हनीमून मनाने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। इसी दरमियान में इनकी कार ब्रेक डाउन हो जाती है। उसके बाद ये दोनों बेचारे रास्ता भटक जाते हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस की कार आती है। वो इंस्पेक्टर इन दोनों को देखकर इनसे कहने लगता है कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, ये नक्सल्स का एरिया है, यहाँ पर आम पब्लिक नॉट अलाउड है, चलो कार में बैठो, मैं तुम दोनों को शहर में ड्रॉप कर दूंगा। इस तरह से वो पुलिस वाला इन दोनों को किसी रेस्टोरेंट के पास लाके छोड़ देता है। उस रेस्टोरेंट में जाकर जब ये दोनों खाना खा रहे होते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि रवि एक डॉक्टर है और श्वेता एक राइटर मतलब नॉवेल्स लिखती है। उसी रेस्टोरेंट में एक बूढ़ा बूढ़ी बैठे होते हैं। उस बंदे के गले में कुछ फंस जाता है। अब रवि डॉक्टर है, ये उन दोनों के पास जाकर उस बूढ़े आदमी की हेल्प करता है। इन दोनों का नाम है सोलमन और हेलेन। थोड़ी देर बाद सोलमन और हेलेन ये दोनों रवि और श्वेता के पास आकर कहने लगते हैं, थैंक यू वेरी मच बेटा, तुमने तो मेरी जान बचा ली, क्या आप दोनों हमारे घर लंच पे आ सकते हो? एक्चुअली आज हमारा मैरिज एनिवर्सरी है, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, लकीली तुम दोनों मिल गए, बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लंच कर लो और चले जाओ। अब रवि और श्वेता ये दोनों ये सोच लेते हैं कि बस थोड़ी देर की ही तो बात है ना, खाना खा के वापस आ जाएंगे। इस तरह से सोलमन इन दोनों को अपने रोसविला घर में ले जाता है। यहाँ आने के बाद कुछ वाइन वगैरह पीने के बाद ये चारों एक फोटो खिंचवाते हैं। उसके बाद लंच का वक्त आता है, ये चारों बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तभी देखते ही देखते इन चारों का टॉपिक पेरेंट्स और बच्चों पर शिफ्ट हो जाता है। सोलमन कहने लगता है कि आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं, वो तो अपनी फ्रीडम की जिंदगी जीना चाहते हैं, माँ बाप बेचारे अकेले भाड़ में जाए तो जाए। लेकिन हेलेन इसके खिलाफ होती है। हेलेन सोलमन से कहने लगती है कि वो बच्चों की मर्जी है, बच्चे खुश तो पेरेंट्स भी खुश। इस तरह से देखते ही देखते सोलमन और हेलेन के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा होने लगता है। बेचारे इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये दोनों अपने मैरिज एनिवर्सरी के दिन ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। खैर इसी दरमियान में सोलमन को बहुत गुस्सा आता है। वो टेबल पे से एक गिलास लेकर दीवार को मारता है। तभी उस गिलास का टुकड़ा रवि के माथे पर आके लगता है। रवि के सर पर थोड़ी सी खरोच आ जाती है। खैर थोड़ी देर बाद श्वेता इशारों से रवि से कहने लगती है कि अब हमें निकलना चाहिए, हमें लेट हो रहा है। रवि यही बात सोलमन से कहने लगता है। सोलमन इन दोनों से कहने लगता है, आप लोगों को शहर जाते जाते लेट हो जाएगा और ऊपर से मैं भी तुम दोनों को ड्रॉप करके आना होगा, मुझे भी लेट हो जाएगा, आप लोग एक काम करो, आज रात तुम दोनों यहीं पर सो जाओ, कल सुबह चले जाना। इस तरह से सोलमन और हेलेन ये दोनों उन दोनों को जबरदस्ती एक कमरे में घुसा देते हैं, मतलब उन दोनों को जाने नहीं देते। उसी रात रवि और श्वेता ये दोनों चादर के अंदर छुपन छुपाई का गेम खेलते रहते हैं। अच्छा आजकल गेम ऐसे भी खेला जाता है क्या? खैर तभी आधी रात को हेलेन अपने बिस्तर से उठ बैठती है। सोलमन हेलेन को एक नींद की गोली देता है, हेलेन सो जाती है। अब सोलमन और हेलेन के पास चादर नहीं है शायद, खैर हमें क्या लेना देना, उनकी चादर है। सुबह होने के बाद रवि और श्वेता ये दोनों यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। सोलमन कहने लगता है, अरे यार ब्रेकफास्ट करके चले जाना, बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब श्वेता को यहाँ पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। श्वेता रवि को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी फौरन हेलेन आकर दरवाजे को बंद कर देती है और ऊंची आवाज से इन दोनों से कहने लगती है, खाली पेट बाहर नहीं जाते, चुपचाप अंदर चलो, ब्रेकफास्ट करके जाना। हेलेन का बिहेवियर रवि और श्वेता को अजीब लगता है। जो भी हो ये दोनों ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फाइनली सोलमन इन दोनों को अपनी कार में बिठा लेता है इन दोनों को शहर में ड्रॉप करने के लिए। ये देखकर बेचारी श्वेता को भी कुछ तसल्ली मिलती है, चलो फाइनली यहाँ से निकल तो रहे हैं। उसके बाद जब ये तीनों घर से थोड़ी ही दूर जाना था, सोलमन की कार खराब हो जाती है। रवि फौरन अपना फोन निकालकर कैब को बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर नो नेटवर्क। ये सब देखकर रवि सोलमन से कहने लगता है, मुझे लग रहा है कि ये सब आप जानबूझ के कर रहे हो, हमें यहाँ से जाने नहीं दे रहे हो। सोलमन कहने लगता है, मैं ऐसा क्यों करूँगा बेटा। तभी वहाँ पर जबरदस्त बारिश होती है। रवि और श्वेता ये दोनों दोबारा उसी घर के अंदर चले जाते हैं। सोलमन रवि से कहने लगता है, क्या बारिश भी मेरा प्लान का एक हिस्सा है?
इट्स जस्ट कोइंसिडेंस बेटा। थोड़ी देर बाद सोलमैन इन दोनों को ये बताने लगता है कि सुबह में हेलेन का बिहेवियर आपको कुछ अजीब लगा ना, इसके पीछे एक वजह है, एक्चुअली हमारा बेटा हमें छोड़ के चला गया। ऐसा कहते हुए सोलमैन इन दोनों को किसी रूम में लाता है, एक बक्से को ओपन करता है और इस बक्से में से इन दोनों को एक फोटो दिखाता है। ये फोटो देखकर रवि और श्वेता ये दोनों शॉक में रह जाते हैं, क्योंकि सोलमैन और हेलेन का बेटा हूबहू रवि की तरह दिखता है, इसीलिए हेलेन रवि को अपना बेटा समझ बैठी। सोलमैन रवि से रिक्वेस्ट करने लगता है, रवि प्लीज तुम यहीं पर रुक जाओ ना हमारा बेटा बनकर, हेलेन को भी अच्छा लगेगा, हेलेन बहुत खुश होगी। रवि कहने लगता है, अंकल आप ये क्या बात कर रहे हो, दिस टोटली नॉनसेंस। और जब श्वेता वहाँ से जा रही होती है अचानक बेहोश हो जाती है। रवि श्वेता के पास आकर उसे जगाने की कोशिश करता है लेकिन ये भी बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब रवि अपनी आँखें खोलता है तो वो किसी छेड़ से बंधा होता है। सोलमैन रवि के पास आकर इसके बेटे के फोटोग्राफ्स दिखाने लगता है, देखो रवि देखो हेलेन ने अपने बेटे को कितने प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन हमारा बेटा जब जवान हुआ हम दोनों को ही छोड़ के चला गया। हम दोनों ने हमारे बेटे को रोकने की बहुत कोशिश की थी। हमारा बेटा फ्रांसिस जाने के बाद हेलेन डिप्रेशन में चली गई, हमेशा गुमसुम सी बैठी रहती। एक दिन हेलेन को यह बात पता चली कि हेलेन की फ्रेंड का बेटा अपनी माँ को छोड़ के चला गया। हेलेन की फ्रेंड अपने घर में पता नहीं कब मर चुकी थी। 40 दिन के बाद जब उसका बेटा वापस आया तो उसकी माँ घर में मरी पड़ी थी। ये देखकर बेचारी हेलेन और डिस्टर्ब हो गई। वो हमेशा यही सोचती थी, क्या मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, वो वापस नहीं आएगा। खैर ये सुनने के बाद रवि सोलमैन से कहने लगता है, देखिए अंकल मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे जबरदस्ती अपना बेटा बना लो, ऐसे मेरे हाथ पैर बांध के रखो, हेलेन को ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसे एक अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाइए। सोलमैन कहने लगता है, देखो रवि तुमको हमारा बेटा बनकर यहीं पर रहना पड़ेगा और आज रात तुम हमारे साथ डिनर करोगे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, याद है ना श्वेता मेरे कब्जे में है अभी भी। अब बेचारा रवि मजबूर होकर सोलमैन और हेलेन के साथ डिनर के लिए बैठ जाता है। हेलेन बहुत ही प्यार से रवि को अपने हाथों से खाना खिलाती है। उसके बाद श्वेता को दिखाया जाता है, सोलमैन श्वेता को भी किसी कमरे में बांध के रखा होता है। खैर वही दूसरी तरफ रवि के माँ बाप रवि को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि 2 दिनों से रवि का फोन नहीं लगा, उसी तरह श्वेता का भी। रवि के माँ बाप परेशान होकर अपने बहू बेटे की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं पुलिस स्टेशन में। ये पुलिस वाला रवि और श्वेता की फोटो देखकर सोचने लगता है कि मैंने इन दोनों को कहीं पर देखा था। उसके बाद वो पुलिस वाले उस रेस्टोरेंट पे जाते हैं जहाँ पर लास्ट टाइम रवि और श्वेता थे, मतलब इस पुलिस ऑफिसर ने उन दोनों को यहीं पर छोड़ा था ना। वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पुलिस को ये बात पता चलती है कि उस दिन का फुटेज नहीं है, मतलब जिस दिन रवि और श्वेता यहाँ पर आए थे उसी दिन का फुटेज डिलीट हो चुका है। इस तरह सोलमैन रवि को किसी कमरे में बंद करके रखा होता है। बेचारा रवि सोचने लगता है कि ये किस तरह से इस कमरे से बाहर निकले। इसी कमरे में रवि को एक छोटा सा विंडो नजर आता है। रवि फौरन उस खिड़की के थ्रू नीचे वाले कमरे में जंप लगाता है, तभी इसकी आहट सोलमैन सुन लेता है। सोलमैन फौरन अपनी नींद से जाग जाता है। जब सोलमैन अपने हाथ में गन लेकर रवि के कमरे में जाता है, अफकोर्स वहाँ पर रवि नहीं होता। सोलमैन अपने घर का पावर ऑफ करके रवि को ढूंढने लगता है। रवि बेचारा उस घर में श्वेता को ढूंढ रहा होता है, वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढते रहता है। इसी दौरान फाइनली सोलमैन रवि को देख लेता है। इन दोनों के बीच टॉम एंड जेरी चलने लगती है, बहुत हाथापाई होती है। इसी हाथापाई के दौरान रवि फौरन एक कमरे में घुस जाता है, अपने आप को बंद कर लेता है, लेकिन सोलमैन उस कमरे का दरवाजा तोड़ के रवि के पास आता है। रवि को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है, फाइनली उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। इस तरफ श्वेता को उस कमरे में एक आयरन ब्लेड नजर आता है। उस ब्लेड को हासिल करने के लिए श्वेता नीचे गिर जाती है। बेचारी बहुत ही मुश्किल से उस ब्लेड को लेकर अपने हाथ की रस्सी काटने लगती है। फाइनली वो भी उस दरवाजा ओपन करके बाहर भागने लगती है। इस तरफ इस पुलिस इंस्पेक्टर को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जिस जगह पर कुछ लड़के मिसिंग हो चुके थे उसी जगह पर रवि और श्वेता का आखिरी लोकेशन दिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रवि होश में आकर सोलमैन के पैर को जख्मी कर वहाँ से भागने लगता है। घर से बाहर आने के बाद जब रवि श्वेता को ढूंढ रहा होता है, लकीली श्वेता रवि को मिल जाती है। तभी इन दोनों को ढूंढते हुए सोलमैन बाहर आता है। सोलमैन को देखकर ये दोनों छुपने लगते हैं। इसी दरमियान में मौका देखकर जब ये दोनों भाग रहे होते हैं, सोलमैन श्वेता को गोली मार देता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, सोलमैन को हैंड्स अप कहती है, लेकिन सोलमैन उस इंस्पेक्टर के हाथ पर फायर करता है, जिसकी वजह से उस इंस्पेक्टर की गन नीचे गिर जाती है। रवि फौरन वो गन लेकर सोलमैन को मार देता है। थोड़ी देर बाद हेलेन वहाँ पर आती है और पुलिस वालों से कहने लगती है कि मेरे बच्चे को मुझे दे दो, मेरे बच्चे को कहाँ पर ले जा रहे हो, मुझे छोड़ो। श्वेता के मरने पर बेचारा रवि बहुत दुखी होने लगता है। उसके बाद सीन फिर से कुछ दिनों बाद शिफ्ट होता है। रवि धीरे धीरे नॉर्मल होते रहता है। इसी दरमियान में एक दिन रवि हेलेन को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है और वहाँ के डॉक्टर से कहने लगता है
कि मैं हेलेन को यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। डॉक्टर पूछने लगता है, क्या तुम हेलेन के बेटे हो? रवि कहने लगता है, नहीं बेटे जैसा हूँ। उसके बाद वो डॉक्टर रवि से कहने लगता है, देखिए आप हेलेन को ले जा सकते हो, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस करनी होगी। हेलेन को अपना पास्ट याद आना नहीं चाहिए। हेलेन को ऐसा महसूस होना चाहिए कि इसका बेटा इसके सामने है और इसी तरह उसका बेटा हमेशा इसे छोड़ के नहीं जाने वाला है। इसी तरह धीरे धीरे आप हेलेन को सच बता सकते हो कि हेलेन का बेटा इसे छोड़ के चला गया है। हालांकि ये काम सोलोमन करना चाहिए था, लेकिन सोलोमन हेलेन के प्यार में हेलेन को बोल नहीं पाया। खैर उसके बाद रवि हेलेन को उसके घर में ले जाता है। हेलेन रवि को देखकर बहुत खुश हो जाती है कि इसका बेटा वापस आ गया है। अब हेलेन की देखरेख करने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए रवि भी हेलेन का बेटा बनकर उसकी देखरेख करने लगता है। इस तरफ पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल उस पुलिस इंस्पेक्टर को श्वेता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाके देता है। ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद इस इंस्पेक्टर के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो इंस्पेक्टर रवि से मिलने के लिए फौरन रोसविला जाता है और इसे कहने लगता है कि श्वेता को जो गोली लगी थी वो हॉरिजॉन्टली नहीं लगी थी, वो गोली ऊपर से आई थी, शायद उस विंडो से। ऐसा कहते हुए वो इंस्पेक्टर रवि को एक विंडो दिखाता है। उसके बाद रवि इस इंस्पेक्टर को एक कमरे में ले जाकर सोलोमन और हेलेन के बेटे की फोटो दिखाता है, जो हूबहू रवि ही की तरह दिखता है। वो इंस्पेक्टर उसी बक्से में एक और फोटो को देखता है और उस फोटो में रवि के बदले कोई और लड़का मौजूद होता है, और एक और फोटो देखने पर उसमें कोई और लड़का मौजूद होता है। मतलब सोलोमन और हेलेन तो सेम ही थे, लेकिन पीछे वाले बंदे चेंज होते हैं। ये देखने के बाद इस इंस्पेक्टर को सारा किस्सा समझ में आ जाता है। ये दोनों फौरन हेलेन के पास जाते हैं और यहाँ पर इस मूवी की असली कहानी सामने आती है। जब फ्रांसिस अपने माँ बाप को छोड़ के दूर चला गया, बेचारी हेलेन बहुत डिप्रेस हो गई थी। इसी डिप्रेशन की हालत में हेलेन ने ये सोचा, मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन मैं मेरे बेटे को जरूर लाऊंगी अपने पास। उसके बाद एक दिन सोलोमन और हेलेन ये दोनों किसी बीच पर वॉक कर रहे थे। इसी दरमियान में हेलेन चकराकर नीचे गिर जाती है। वहीं पर एक लड़का जॉगिंग कर रहा होता है। हेलेन को देखकर फौरन वो लड़का हेलेन के पास आता है, इन दोनों की हेल्प करता है। ये दोनों उस लड़के को अपने घर ले जाते हैं, उसे लंच खिलाते हैं। उसके बाद सोलोमन इस लड़के को अपने बेटे की फोटो दिखाता है, जो हूबहू इसी की तरह दिखता है। ये दोनों इस लड़के से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज तुम मेरे बेटे बनकर रह जाओ। वो लड़का इन दोनों की बात नहीं मानता, वहाँ से जाने लगता है। हेलेन का दिमाग सटक जाता है। उस लड़के को रोकने के लिए उसके सर पर बार बार वार करके उसे मार ही देती है। अब सोलोमन हेलेन से बहुत प्यार करता था, सो सोलोमन इस लड़के की लाश को ठिकाने लगा दिया। यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उसके बाद एक दिन इन दोनों की कार ब्रेकडाउन हो जाती है, तभी उस रास्ते से एक लड़का गुजरने लगता है। सोलोमन और हेलेन की हेल्प करता है। उसके बाद क्या था, जब वो लड़का मानता नहीं, सोलोमन उसे भी मार देता है, उसकी लाश को भी ठिकाने लगा देता है। अब फोटोज के बारे में बात करें, तो जब कभी भी सोलोमन और हेलेन ये दोनों किसी नए लड़के को अपने घर में लाते तो फौरन उसकी फोटो खिंचवा लेते, जैसा रवि और श्वेता के साथ किया था। उसके बाद सोलोमन उस फोटो को एडिट करके उस लड़के का चेहरा लगा देता था। उस रेस्टोरेंट में रवि और श्वेता की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने वाला भी सोलोमन ही था। और क्लाइमैक्स में जब रवि और श्वेता वहाँ से भाग रहे थे, सोलोमन सिर्फ इन दोनों को डरा रहा था अपनी गन लेकर, लेकिन एक्चुअली श्वेता को मारने वाली हेलेन ही थी। और यहाँ पर एक और ट्विस्ट ये है कि उन सारे लड़कों को सोलोमन ने नहीं बल्कि हेलेन ने ही मारा। अरे बुढ़िया रानी एक लड़के को गोद ले लेती, बस कहानी खत्म। खैर जो भी हो, मूवी में एक बेहतरीन सा मैसेज आपको पता चल चुका होगा कि बुढ़ापे में पेरेंट्स को अकेला करने पर पेरेंट्स किस तरह से सफर होते हैं। उस उम्र में इनको ये इच्छा होती है कि ये लोग अपने बेटे या बेटी के साथ टाइम स्पेंड करे, या तो फिर पोते पोतियों के साथ। खैर सिंपल सीधी सादी मूवी है। मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।